अल्लाह ताला और क्या करते, और तो अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है, उसका विज़्डम है कि उसने इंसान को दुख दिया। क्यों? वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी, हम बड़े अज़ाब से, जहन्नम और कब्र और आखरत के बड़े अज़ाब से पहले इसको छोटा अज़ाब दे देते हैं। लअल्लहुम यरजिऊन, इस उम्मीद के साथ कि वो पलट जाएगा हमारी तरफ, लौट जाएगा अल्लाह के दीन की तरफ। अल्लाह गम इसलिए देते हैं क्योंकि इंसान गम में अल्लाह के करीब होता है। वाइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दआना लिजंबिहि वक़ाइदन वक़ाइमा, जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो पुकारता है हमें लेट के बैठ के और खड़ा होके। तो अल्लाह ताला इंसान को इसलिए गम देते हैं ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे और दुनिया में उसे छोटी तकलीफ़ मिल जाए, आखिरत की बड़ी तकलीफ़ से बच जाए। और इसलिए गम देते हैं कि जो गुनाह है वो झड़ जाए, और इसलिए देते हैं कि कोई बड़ा अजाब ना आ जाए उसके ऊपर। तो पेन इज़ गुड, तकलीफ़ की दुआ नहीं करनी चाहिए, जो रहमत है उस पर शुक्र है और जो तकलीफ़ है उस पर सब्र है। असल चीज़ तो आखिरत है, इन्होंने असल चीज़ दुनिया को बनाया है, तो दुनिया में तो नशीब व फराज कभी ख़त्म नहीं होंगे इंसान के, लेकिन जो चीज़ ख़त्म हो सकती है वो इस्तराब है। अल्लाह को मानकर, आखिरत को मानकर, हिसाब किताब के दिन को मानकर, और जो इस दुनिया में नहीं मिला वो वहाँ मिल जाएगा, और जो मिल गया है उस पर हम नेमत अदा करते हैं, अल्लाह ताला हमारा आसान हिसाब ले उसके लिए। लेकिन अगर हम इस गम से मुंह मोड़ के इसको कह दें कि ये दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं रखता, बस खुशियों की तरफ ही भागते रहो, तो इसने तो बहुत लोगों की जान ले ली, क्योंकि ये दुनिया बहुत सख्त है गुजारना, मगर जो चीज़ इंसान को हिम्मत देती है इसमें चलने के लिए, इससे चलने के लिए, इसमें से चलने के लिए, वो है आखरत, वो है अल्लाह की ज़ात पर कामिल तवक्कुल, अंधा तवक्कुल कि अल्लाह ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। इसलिए तो अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, वह आसा अन तक रहुशैन, तू एक चीज़ को बुरा मानता है, वह हुआ खैरुल लकुम, और वो तेरे लिए अच्छी होती है। वह आसा अन तुहिब्बुशैन, तू एक चीज़ से बहुत पसंद करता है, मरता है उसके ऊपर तू, वह हुआ शरुल लकुम, और वो तेरे लिए शर हो सकता है, ईवल हो सकता है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और आगे अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो ट्रस्ट इन अल्लाह, फ़ैज़ा आज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, अब अगर तूने इरादा कर ही लिया है तो अल्लाह पर तवक्कुल रख, और अगर नहीं होता तो उसको कदर मान ले, तकदीर पे यकीन रख, और अगर गम पहुँच भी गया तो सब्र कर।